भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, जेल में डालेंगे सबको। यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ये। अभी बता रहा हूं तुम्हारे अच्छे काम क्या है। देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग तो बहुत डरपोक। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका सातवें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो। बाहर से आए हो, आपको दिल्ली का कुछ नहीं पता। मैं नहीं समझता कि उनको दिल्ली की 70 विधानसभाओं के नाम भी बताऊंगे। मैं नहीं समझता कि उनको दिल्ली के कुछ सड़कों के नाम भी बताऊंगे। तो आप बाहर से आए हो, गुजरात से आए हो, आपको दिल्ली का कुछ पता नहीं है। अफसर इधर की उधर पढ़ा देते हैं, इधर की उधर पढ़ा देते हैं, ये इनकी भी नहीं सुनते। ये भी बताते हैं जब मेरे को मिलते हैं, इनकी भी नहीं सुनते। एलजी साहब, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा मिलजुल के काम करो। हम भी मिलके काम करना चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम मिलके काम करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये आपस में लड़ रहे थे। अभी हमें बहुत काम करने हैं, बहुत यमुना साफ करनी है, पूरी दिल्ली में सीवर की पाइपलाइन लगानी है, घर घर सीवर लेके जाने हैं, पानी की पाइपलाइन लगानी है, नए नए एसटीपी लगाने हैं, ट्यूबवेल लगाने हैं, इतनी बसें खरीदनी है, पोल्यूशन ठीक करना है, ट्रैफिक ठीक करना है। मिलके करते हैं ना, काम की कमी थोड़ी है, मिलके करते हैं ना, लड़ते क्यों हमसे। और हमारी मदद लो लॉ एंड ऑर्डर में, हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, दिल्ली सुरक्षित होगी। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान शो थोड़ी है। डीडीए में हमारे साथ मिलके काम करो, मिलके काम करेंगे, दिल्ली में अच्छा वो होगा। ये डबल इंजन कहते हैं, जिस दिन दिल्ली के सीएम और दिल्ली के एलजी ने मिलके काम करना चालू कर दिया, ये असली डबल इंजन की सरकार है। हैं जी। और आजकल एक नया ट्रेंड चालू है, जब से मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, तब से अब ये एक एक एमएलए को पकड़ पकड़ के धमकाया जा रहा है। मेरे पास एक एमएलए आया, बैठ तो जाओ, सुन तो लो, बता ही रहा हूं। चोर की दाढ़ी में तिनका। बोला जी लोकल थानेदार आया था, वो कहता है जी एसीबी वाले आपकी इंक्वायरी करा रहे हैं, अगला नंबर आपका है। एक और एमएलए आया, बोला जी मेरे पास एक वॉलंटियर आया, बड़ा डरा हुआ, बोला सर आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा चल बता। बोला जी ये लोग बड़े खतरनाक हैं, बहुत गंदे लोग हैं, इनसे बच के रहना, अगला नंबर आपका। एक एक करके एमएलए को डराया जाता है। आपके पास आए हैं लोग, किस किस के पास आए हैं, है ना? कौन कौन डरा हुआ आप में से? इनसे डरते तो नहीं हो? जेल जाने को तैयार बैठे हो? कौन कौन जेल जाने को तैयार बैठा, हाथ खड़े कर दे। मनीष सिसोदिया भगत सिंह का चेला है। मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता, इनकी जेल की सलाखों से नहीं डरते। और अगर कोई जेल जाने से डरता हो आप में से, आज आम आदमी पार्टी तोड़ छोड़ देना। आम आदमी पार्टी में आयो तो सर पे कफन बांध के आयो। आम आदमी पार्टी में आयो, अपने अपने घर में बोल देना जेल जाने को तैयार रहो, ये जेल में डालेंगे सबको। यही कर सकते हैं ये। अभी बता रहा हूं तुम्हारे अच्छे काम क्या है। 2 मिनट रुक जाओ,
आपको जेल भेजेंगे, अपने अपने घर में बोल देना, जिस जिसको जेल भेजें आपके घर का खर्चा मैं चला दूंगा। हम सारे मिलके चलाएंगे, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? आपको अच्छा वकील हम देंगे, आपको जेल से वापस लेके हम आएंगे। हो सकता है 7-8 महीने, पिछली बार मैंने कहा था 4 महीने, अब 7-8 महीने हो सकता है, 7-8 महीने रहना पड़े जेल में। इससे फालतू ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे आज भगत सिंह का नाम पूरी दुनिया याद रखती है, ये वो मौका है भारत के इतिहास के अंदर जब आपका नाम भी याद रखा जाएगा। जो जो लोग अभी जेल में, पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, तो सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज महाजन जी बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बैठिए, बैठिए प्लीज।